तो मैंने लड़ाई रोरा लोगन हिना शहाब से हुई कि सुनने में आता कि निर्दलीय लड़ी हैं, कहीं इंडिया से टिकट कहीं मान ले CPIML अमरनाथ यादव चाहे अमरजीत कुशवाहा जी लड़े, तो लड़ाई केकरा से हुई यहाँ के थोड़ा सा? ना ना यहाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं खे, यहाँ केहू से लड़ाई नहीं खे, सभे लड़ल बा देखल बा। माले के बात कहीं 60,000 वोट पर सिमट जाला, हिना साहब कहनी हाँ तो वहाँ के 2,00,000 वोट पर सिमट जानी, तो यहाँ लड़ाई केकरा से बा? और केहू मजबूत कैंडिडेट बा तो ओम प्रकाश यादव है। ओम प्रकाश यादव जी हैं? जी ओम प्रकाश यादव जी है। फुल आप भी चाह रहे हैं? हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव जी आए फिर चुनाव लड़े, हम लोग का मान सम्मान बढ़े। हम लोग 5 साल से ठगाए हुए हैं, हम लोग का एक भी काम नहीं हुआ है। बड़े नेता जब आ रहे हैं केंद्र से तो उनको जगह मिल रहा है या नहीं स्टेज पर? नहीं देखिए, कहने का मतलब कि पार्टी में हम लोग का पार्टी क्या है, तो सत्यदेव राम हैं। अगर 25 में उन्हीं से आपका लड़ाई होगा, अगर बीजेपी के खाता में अगर बीजेपी से आपको टिकट मिलता है तो कैसे देखते हैं सत्यदेव राम को? देखिए उनसे पूरा दरौली की विधानसभा की जनता, कुड़ी से कुड़ी भी मिलता है। देखिए सबका अलग अलग रोल है, हम मनोज राम है तो सत्यदेव राम, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं हो सकता है। माने कुड़ी से कुड़ी मिलता है ना? मिलता है लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग वो आदमी व्यक्ति हैं, वो खूनखार व्यक्ति है, वो हत्या करते हैं, लूट करते हैं, चोरी करते हैं, और हमारे में ये सब चीज़ नहीं है। अब विधायक पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं? एकदम बिल्कुल, वो तो अपने आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा था कि उन्होंने बोला था कि हम फलानवा को मार दिया, इस चीज़ को मार दिया, दिन में हमारा दूसरा नाम होता है, रात में हमारा दूसरा नाम होता है, तो क्या उनको जनता पसंद करेगी क्या दरौली की? बिल्कुल हो सकता है कि उनके अभी देखिए चिलमरवा कांड में उनका सजा भी होने जा रहा है। चिलमरवा कांड कौन है? ये बहुत पहले उनका हत्या किया हुआ है, और उस हत्या में दो दो विधायक माले का फंसे हुए हैं, और 10 दिन महीना दिन के अंदर वो लोग का सजा होने जा रहा है, तो कोई ठिकाना थोड़ी है कि उनके साथ हमारा कौन कौन विधायक है माले के? माले के दो विधायक आरोपी है, अमरजीत कुशवाहा जी है और सत्यदेव राम जी है। दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान, तो ईमान TV चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। सबका स्वागत है। 2024 का इंतजार सबको था और आ ही गया है। बीजेपी कई जगहों से अपनी कैंडिडेट घोषित कर दिया है, हालांकि बिहार में अभी बाकी है, और जो इंडिया बना है उसका भी कई जगहों पे कैंडिडेट घोषित हो गया है, लेकिन बिहार में अभी भी बाकी है। सिवान में अभी हम लोग हैं, दरौली विधानसभा में, और आने वाले 2025 में बीजेपी से संभावित कैंडिडेट, विधायक के कैंडिडेट मनोज राम जी हो सकते हैं। पार्टी के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं, कहीं भी कोई भी किसी तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन या कुछ भी हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पार्टी के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। नेताजी से मुलाकात हुई है, स्वागत है। रौरो का बहुत बहुत स्वागत बा। जी का कहता नहीं, मैंने काहे रौरो लोगन अभी ठंडाइल बनी लो? हमने माहौल गर्म कब हुई सिवान के? एकदम निश्चित तौर पर, बस 2-4 दिन के इंतजार बा, एकदम सामने रुआई कि माहौल कैसे गर्म होखेला, हमने के एकदम कमर कस के तैयार बनी जा, बस जहाँ जैसे होने से घोषणा भइल कि फिर हमने के अपना काम में लग जाए। तो मैंने केने जाता, मैंने JDU के खाता में जाता कि BJP के खाता में? देखिए निश्चित तौर पर इस सीट आज से ना, जब अपराधी चरण सीमा पर है सिवान में, तब वो बेरा जनार्दन तिवारी यहाँ चुनाव लड़त रहनी, और वो बेरा से भी अभी तक बीच में ओम प्रकाश जी दो बार यहाँ के सांसद रहल बनी, तो आवे वाला समय देख ली कि इस सीट सिवान भाजपा के रहल बा, आ फिर भी हमने की चाहत निशान पूरा भाजपा कार्यकर्ता चाहत रहे कार्यकर्ता कि सिवान के सीट भाजपा के झोली में रहो। तो मैंने तो JDU अपन अलग ही दावा करता, रौरा लोगन दावा अपन करता नहीं, या सब लोगों से जरा से पूछा जाता है, 1-2 दिन इंतजार कर लो, 1-2 दिन इंतजार कर लो, केहू खुल के बोलत नहीं खे? नहीं ऐसा कोई बात नहीं खे, इस सीट लगभग भाजपा के खाता में रही। तो मैंने भाजपा के खाता में चल जाए तो जीत का हार हुई कि जीत हुई, लड़ाई केकरा से हुई, केने से हुई? देखिए यहाँ कोनो लड़ाई नहीं खे, पूरा बिहार के जनता जान चुकल भी आ कि कहाँ रहला पर
भला बा तो यहाँ निश्चित तौर पर भाजपा के झोली में खाता में सीट रही और यहाँ से लगभग लगभग 3 से 4 लाख वोट से जो भी प्रत्याशी अगर कमल के फूल लेके आता ओकर जीत सुनिश्चित बा। माने कौन गणित से 4 लाख वोट से रहुआ जीता देनी? एकदम बिल्कुल रुआ पीछे का भी हिसाब किताब देख लिया आए बेरी के हिसाब किताब थोड़ा अलग बा लेकिन ए बेरी काहे अलग काहे बा अलग काहे बा ए बेरी अलग रहे कई कारण बा। देश के अगर देखल जाओ तो सबसे अगर मजबूत केहू नेतृत्व करता तो जब से देश आजाद भइल ओकरा माने आज तक कोई नेता ना मिले पहला बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के सम्मान आगे बढ़ा रहल बानी विकास हो रहल बा एक के चलते आज के डेट में जे भी कैंडिडेट आई वो अलग रही और जीत भी हर समय से ए बेरी के जीत भी अलग रही। तो मैंने लड़ाई रो रहा लोगन हिना शहाब से हुई कि सुनने में आता कि निर्दलीय लड़ी हैं कहीं इंडिया से टिकट कहीं माले CPIML अमरनाथ यादव चाहे अमरजीत कुशवाहा जी लड़े तो लड़ाई केकरा से हुई यहाँ के थोड़ा सा ना यहाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं खे यहाँ केहू से लड़ाई नहीं खे सभे लड़ल बा देखल बा माले के बात कहीं 60,000 वोट पर सिमट जाला हिना साहब कहनी हाँ तो वहाँ के 2 लाख वोट पर सिमट जानी तो यहाँ लड़ाई केकरा से बा? शुरू से तो जब से देश आज़ाद भइल BJP तो बहुत कमे टाइम सांसद रहल बा तब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहत नहीं देखी ओबेरा के युग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता ओबेरा के युग और माहौल दोसर है। अब फिर जनता अगर वो युग और माहौल में कभी जाए के नहीं चाहत एकदम एकदम निश्चित रूप से समझ ले कि उस युग में नहीं जाए के चाहत केहू भी। आज तो कैंडिडेट सब बढ़िया बनी एकदम अब कहला से बढ़िया बनी लेकिन सबके बैकग्राउंड देखल जाए तो सबके अपन अलग अलग मैंने तैयारी चलता एकदम चलता लेकिन सब कोई सब जैसे नहीं खेलूँ केहू में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बा। आवे वाला समय में देखे कि इहवाँ के जो चुनाव होखी जनता एवरी साफ सुथरा छवि के जे भी कैंडिडेट होखता ओकरा के जनता भी जिताई। अच्छा एक बात बताई अगर JDU के खाता में चल जाए सीट तो एक तो बानी अजय सिंह और दोसर चर्चा होता गोपालगंज से पप्पू पाणे तो रौरा लगन केने से रहे देखी तो रौरा हिसाब से कौन बेहतर रही कौन कैंडिडेट बढ़िया रही? हमरा हिसाब से तो कबो ना चाहे हम कि सीट जदयू के जाओ हम जब भी चाहे कि भाजपा यहाँ चुनाव लड़े का है कि एक एक कार्यकर्ता 5 साल से मेहनत कैले बा हमनी के मेहनत कब के बदौलत भी हमनी कॉन्फिडेंस से बोलत नहीं सके हमनी की जीत यहाँ से सुनिश्चित बा। हमनी कबो ना चाहे सन कि सीट दूसरा के खाता में जाओ अगर दूसरा के खाता में भी जाता तो वे के समय हमने के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कहता फिर भी हम अपना तरफ से ये बात माने पर तैयार नहीं थी। BJP में चल गए तो के बा मंगल पांडे की तो ठिकाना लगा दी हल गई बहुत चर्चा में रहनी है देखी कहे के मतलब कि तो उंगर दे दी हल गई अब के बा पार्टी उ फैसला लेलस या तो निश्चित तौर पर कि मंगल बा चुनाव लड़े लेकिन वहाँ का अपना मुँह से कहीं ना कहले रही है कि हम चुनाव लड़े लेकिन पार्टी वहाँ के सम्मान दिलस या दूसरा जगह तो आवे वाले समय पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ से और केहू मजबूत कैंडिडेट बा तो ओम प्रकाश यादव है। ओम प्रकाश यादव जी जी ओम प्रकाश यादव जी है फुल आप भी चाह रहे हैं? हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव जी आए फिर चुनाव लड़े हम लोग का मान सम्मान बढ़े। हम लोग 5 साल से ठगाए हुए हैं हम लोग एक एक काम एक भी काम नहीं हुआ है। बड़े नेता जब आ रहे हैं केंद्र से तो उनको जगह मिल रहा है ये नहीं स्टेज पर? नहीं देखिए कहने का मतलब कि पार्टी में हम लोग का पार्टी क्या है ना कि बहुत व्यवस्था चलता है जो सिस्टम ऐसा कि जैसे पुराने लोग हैं तो उनको जगह दिया जाता है नया लोग को थोड़ा अलग साइड में भी एडजस्ट किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा दरौली आ जाते हैं पूरा मजबूती से आप ताल ठोक दिए हैं मजबूत दावेदार अपने आप को बताते हैं आप तो सत्यदेव राम हैं अगर 25 में उन्हीं से आपका लड़ाई होगा अगर BJP के खाता में अगर BJP से आपको टिकट मिलता है तो कैसे देखते हैं सत्यदेव राम को? देखिए उनसे पूरा दरौली की विधानसभा की जनता कुड़ी से कुड़ी भी मिलता है। देखिए सबका अलग अलग रोल है हम मनोज राम है तो सत्यदेव राम तो दोनों का कम्बिनेशन एक साथ नहीं हो सकता है। माने कुड़ी से कुड़ी मिलता है ना मिलता है लेकिन कम्बिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग वो आदमी व्यक्ति हैं वो खूनखार व्यक्ति है वो हत्या करते हैं लूट करते हैं चोरी करते हैं और हमारे में ये सब चीज़ नहीं है।
विधायक पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। एकदम बिल्कुल, वो तो अपने आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा था कि उन्होंने बोला था कि हम फलानवा को मार दिया, इस चीज़ को मार दिया, दिन में हमारा दूसरा नाम होता है, रात में हमारा दूसरा नाम होता है, तो क्या उनको जनता पसंद करेगी क्या दरौली की? बिल्कुल नहीं पसंद करेगी उनको। लड़ाई तो उन्हीं से होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल उनसे कैंडिडेट विधायक वही हैं। अभी देखिए समय बहुत दूर है, हो सकता है कि उनके अभी देखिए चिलमरवा कांड में उनका सजा भी होने जा रहा है। चिलमरवा कांड कौन है? ये बहुत पहले उनका हत्या किया हुआ है और उस हत्या में दो दो विधायक माले का फंसे हुए हैं और 10 दिन महीना दिन के अंदर वो लोग का सजा होने जा रहा है, तो कोई ठिकाना थोड़ी है कि उनके साथ हमारा कौन कौन विधायक है माले के? माले के दो विधायक आरोपी है, अमरजीत कुशवाहा जी है और सत्यदेव राम जी है, दोनों आदमी चर्चा में है कि उनको टिकटों मिल सकता है 24 का। अब देखिए अब इंडिया से नहीं नहीं इंडिया अमरजीत कुशवाहा जी को ये भी चर्चा में है, मिल सकता है लेकिन संभवतः दूसरा नहीं। हकीकत में बात बोल रहा हूँ कि ऐसा वो लोग आरोपी हैं, दोनों आदमी आरोपी हैं और टिकट मिलेगा तो उनका कोई जनाधार है नहीं, यहाँ से हार भी उनका निश्चित होगा। तो मैंने कौन बात कह रहे थे, लोग जेल चले जाएंगे? एकदम बिल्कुल जेल जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, क्योंकि देखिए कहने का मतलब कि आप अपराध कीजिए या किसी का मर्डर कीजिएगा तो जेल तो जाना ही है, निश्चित है कि जेल जाना पड़ेगा आपको, कोई बख्शने वाला नहीं है इसमें, सबको जाना है। अच्छा, अपने आपके दरौली का क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से आप लोग बूथ स्तर पर मेहनत कर रहे हैं ताकि? देखिए दरौली विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि पूरे सिवान जिला का समीकरण तय करता है और निश्चित तौर पर हम लोग का ये कहना है कि दरौली में हम लोग कोई भी अगर कैंडिडेट आए दरौली सब मतलब विधानसभा से अलग बढ़ करके हिस्सा लेगा और बढ़ चढ़ के वोट भी करेगा और वहाँ से जीत का भी आंकड़ा डबल रहेगा। चलिए अपनी बात को ख़त्म करेंगे, बिल्कुल एक एक लोगों के पास जो लीडर हैं उन तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनकी राय जानने की अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मनोज राम जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो उनसे हम लोग उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे। बने रहे, देखते रहे लगनदाज।